टीएनएम शब्द सुनते ही आंखों के सामने रंग बिरंगे रेडीमेड चार्ट, ग्लोब और ऐसी ही तमाम चीजें घूम जाती हैं। पर सीतारामपुरा धागलान टोंक के रतनलाल चौधरी के लिए इसके मायने कुछ और ही हैं। पेपर मैशी, मुखौटे, मिट्टी के खिलौनों आदि में उनकी रुचि उन्हें सस्ता टीएलएम बनाने के लिए प्रेरित करती है। मैंने सर विद्या भवन कला संस्थान से पहले एक प्रशिक्षण किया था, जो शिक्षक प्रशिक्षण था उसमें उद्योग विषय थे और उद्योग विषय के साथ चित्रकला और पेपर मेशी और ये क्राफ्ट वाले कताई बुनाई ये मेरे सब्जेक्ट रहे थे। तो मुझे वहाँ सीखने का मौका मिला और वहाँ मेरी रुचि बनी। वहाँ हमें ये भी सिखाया गया, यार मेरी खुद की भी यही रहेगी, ये जो चीज़ हम जानते हैं ये मैक्सिमम बच्चों तक पहुँचे। इसको एक बार छोड़ वापिस लगो, इसको छोड़ो, देखो ये दूर जा रही। इस बच्चे क्रिएटिव बने, सृजनशील बने, वो आज बच्चे हैं जैसे उनकी हस्तलेख है, चित्रकारी है। मैं भी कह सकता हूँ थोड़ी ड्राइंग पेंटिंग कर लेता हूँ और बच्चों में एक पढ़ाने का तो होता ही, पढ़ाने के साथ ये चीज़ें बनाने का भी बच्चों की जानकारी में आता है। अपन कैसे काम में ज़्यादा ले सकते हैं, जैसे अखबार है, वेस्ट मटेरियल है, उनका अपन यूज कर सकते हैं, वो चीज़ें इधर उधर नहीं फेंकेंगे, उनसे अच्छी चीज़ें बन जाएगी, उनको अपन पढ़ाई में एक दैनिक जीवन में अपन काम में ले सकते हैं। इसमें क्या हम ये वर्ण है ना, ये यहाँ से वर्ण बनाए हुए हैं वो यहाँ रख लेते हैं आलबिन के लिए। अब इस पर जैसे ये आ की मात्रा है, ये आ की मात्रा, अब इनका भी एक सार्थक का आला, यहाँ अगर मैं लगाएंगे माँ आला और बच्चे इसको आसानी से प्रयोग कर लेते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो हम बच्चों के सहयोग से, साथी गुरुजी के सहयोग से जो कच्ची सामग्री है, वेस्ट मटेरियल है, कुछ चीज़ें दुकान से भी ले लेते हैं और उनका पूरी इकट्ठी करते हैं। फिर हम तय करते हैं विषय, किताबें खोलते हैं, उनके पाठ्यक्रम को देखते हैं कक्षावार, और विषयवार और कक्षावार बच्चों को बिठाया जाता है। एक हमारी वो कार्य समिति कार्यशाला बनी हुई है, उसमें गांव के जो हैं उनका भी कुछ सहयोग रहता है। फिर हम एक साथ बैठ के तैयार करते हैं और उसको मैक्सिमम यूटिलाइज बनाते हैं, बच्चों को ज़्यादा काम आ जाए, उनकी संख्या इतनी बनाई जाए कि बच्चे, जैसे एक कोई अपन ने कोई चीज़ बनाई और एक बच्चा ही उसको काम में ले रहा है, बाकी बच्चे उसमें देख के अच्छी तरह करके सीखने में क्या है, बच्चों को व्यक्ति से आनी चाहिए एक एक सामग्री। तो इतनी कोई दुर्लभ चीज़ होगी या महंगी चीज़ होगी तो अपन उसकी क्या संख्या नहीं बढ़ा सकते, ये जो चीज़ें हैं इनकी अपन संख्या बढ़ा सकते हैं, बच्चे को अलग अलग दी भी जा सकती, बच्चा एक एक करके उसको देखेगा उसको ज़्यादा कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे कैसे, और इसके एक पीस दो चार पीस आसानी से और जल्दी बन जाते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं है सब उपक्रम है, उसको फोल्ड किया, कैंची से काटा, ये कट लगाए और स्केच से लिखे। रमेश नहीं बेटा, तीनों सहयोग मुझे अच्छे मिले सर, साथी गुरु जी का, बालकों का, समुदाय, और अब तो जो डिपार्टमेंटली LGP का, हमारे SSA का जो सहयोग मिला ना वो भी सराहनीय, सारी इसमें क्या सारी चीज़ें साथ में जुड़ के ही काम होता है, अकेला तो मैं भी कुछ नहीं कर पाता।